चला लाइट नहीं है क्या? नहीं, अभी जो चल रहा था क्या चल रहा था? ये चार्जिंग और ये चल रहा था। थोड़ा देर से गई थी ना, तो आज देर से लाइट गई। कितने बजे कितने बजे चली जाती है? चार बजे चली जाती है, लेकिन 4:20 पे गई थी। आती है 4:20 पे चली गई थी, इसलिए 6:20 में आई। हाँ जी, हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखानितांस ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नामयं गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने शास्त्रयुक्ति ततस्तत्र विपत्रि पतिनाश्री श्री सारस्वत गौड़ियाधीश सेवा प्रकाशने नमयं विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायणेति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणैः युक्तं वरं वरनं पुरुषं महान्तं नारायणं स्तं शिरसा नमामि। नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणि श्री श्रीमद्भक्तिप्रज्ञान केशवैति नामिनि अतिमर्तचरित्राय स्वाश्रितानं च पालिनि जीवदुःखे सदात्राय हरिनाम प्रेमदायिने। नामयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने श्रीभार्षभानविदेवे दयिताय कृपाद्वये कृष्ण सम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुग विरुधाव सिद्धांत दंतहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भर सम्बुधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगभराय ते गौराविर्भावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजनप्रिय वैष्णवसार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवि सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द हरि अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दवनाल सम संसार दहने दग्ध जीव कुला उधार कारणी करुणा वारिद
Thank you.
जय जय नित्यानंद अद्वैत गौरानंद जय जय नित्यानंद अद्वैत गौरा Thank you.
Thank you.
Oh,
हरे कृष्ण ओम ज्ञानतम रामधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अजानुलम्बितभुजौ कनकाभदातौ संकीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर कथा श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर सदय श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों स्वर्ग में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुत प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गतकल्ला श्रवण कर रहे थे जब शंकर जी जब से दक्ष प्रजापति सभा को अंदर में प्रवेश किया सभी तो खड़े होकर के दक्ष प्रजापति को सम्मान की, केवल दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए, एक श्री ब्रह्मा जी दूसरे श्री भोले बाबा। इसलिए श्री दक्ष प्रजापति क्या सोच रहे हैं, ब्रह्मा मेरे पिताजी है, कोई बात नहीं मेरे पिताजी है, लेकिन शंकर तो मेरे दामाद है और दामाद अपना बेटा जैसे होता है, और मैंने प्रवेश किया, प्रवेश दे करके थोड़ी खड़े होकर के मेरे को स्वागत भी नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने बिगड़ करके क्या बोले, जैसे धान का खेती में जो आगाछा होता है, हैं, जो उसमें श्याम पेड़ होता है उसको उखाड़ना जरूरत है, नहीं तो जो मूल जो धान है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, आप लोग ये सोचते होंगे मैं शंकर जी को ऊपर में द्वेष करके बोल रहा हूँ, तो ये भी बोल रहा है मैं शंकर जी को प्रति द्वेष करके नहीं बोल रहा हूँ, मात्सर्य वत्सर नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए उसको व्यवहार को देख करके मैं बोल रहा हूँ। बोले क्या व्यवहार है, बोले अयंतो लोकपालानाम जसघ्नो निरपत्रप सद्भिराचरितम पंथाम जनस्तब्धेन दूषित। कहती है निर्लज यथोचित जैसे कर्तव्य करनी चाहिए, ये कर्तव्य से विमुख होकर के साधु लोगों का जो आचरित पंथा को ये दूषित कर रहा है। अतएव यह द्वारा जावतीय लोग इसको द्वारा जितने लोकपाल है उनका जस क्या होगा, विनष्ट हो जाएगा। तब ये श्लोक का मूल अर्थ है, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने अभिशाप शंकर जी को दिया, इतने अभिशाप दिया, इसका द्वारा क्या लोकपालों का जस विनष्ट हो जाएगा, ये पंथ को दूषित कर रहा है, ये कहाँ संभव है। शंकर तो परम वैष्णव है, शंकर जी भगवान की परम भक्त है, इनका आचरण से सद्मार्ग दूषित कैसे हो सकता है, हैं, दूषित हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो सुधा सरस्वती उसको स्तुति पर व्याख्या करते हैं, बोले क्या कहती हैं, बोले जसोघ्न
दशरथ ने उन्होंने बताया इसको द्वारा जस नष्ट हो जाएगा। कहते नहीं, शंकर जी को द्वारा जस नष्ट नहीं होगा, शंकर जी को द्वारा लोकपालों का जो जस है, कहते लोकपालों का अंदर में जो जस है, शंकर जी का जस इतना जस है, बल्कि शंकर जी को जस को सामने उनका जस नीचा हो जाएगा। क्योंकि शंकर जी परम वैष्णव है, वैष्णव लोग जो आचरण करते दुनिया आदर से के लिए आचरण करते, बल्कि उनका जस नष्ट नहीं होगा, लेकिन शंकर जी का जस इतना है जिस जस को सामने इनका जस नीचा हो जाएगा। हैं, ये एक अर्थ बोले निरपत्रप, बोले निरत्रप मतलब क्या होता है, हैं? निरत्रप एक अर्थ होता है, ये तब जहादर जावत या लोकबल कर निरत्र अर्थ होता है, साधुगण आचरित पंथा के दूषित किया, जथोचित कर्तव्य कर, ये जथोचित कर्तव्य से विमुख होकर के साधुओं का जो आचरित पंथा को उन्होंने दूषित किया, इसका निरत्रप का मतलब होता है। और निरत्रप का और एक अर्थ होता है, हैं जहादर कर्ता के उन्हें, कहते निरत्र जिनका जिनको उधार करने के लिए जिनको कोई भी उधार नहीं करते हैं, जिनका अशरण्य मतलब जिसका जगत में कोई भी शरण नहीं है, लेकिन उसको शरण देने वाले कौन है, कहते ये श्री शंकर जी। इसलिए शंकर जी को सर के ऊपर में जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा किस लिए, चंद्रमा कहते चंद्रमा को कभी खैर हो गया, चंद्रमा खय हो रहा है ना, पूर्णिमा को पूर्ण उसको बाद में खाए धीरे धीरे, लेकिन उनका खय खय रोग मतलब टीबी रोग है, इनको खय रोग हो गया, लेकिन पहले पहले खय रोग क्या हर कोई स्पर्श करते ना उसको भी खय रोग हो जाता था, हैं। इसलिए जिनको कोई भी शरण नहीं दिया, लेकिन अंतिम समय में किसने शरण दिया, कहते श्री शंकर जी शरण दिया। इसलिए उनका जटा में, उनका जटा का ऊपर कौन है, श्री चंद्रमा विद्यमान है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं शंकर जी ऐसे एक व्यक्ति है निरपत्र, मतलब जगत में जिसको कोई भी शरण देने नहीं देते हैं, अगर उनको कोई शरण देते हो तो कौन देते हैं, कहते श्री भोले बाबा देते हैं, अचरित पंथा जैसे बोलते हैं जैन सकल असुरादिर द्वारा साधु दिग्र आचरित पंथा सदमार्ग दूषित हो या चितार स्तब्ध न विनाश हो द्वारा, इस तरह स्तब्ध ने रूप पाठे स्तब्ध बोले थे गर्भित जात नष्ट हो गर्भित श्रेष्ठ जात आदर द्वारा दूषित हो। हाँ, कहते इन्होंने जो सदमार्गो को इन्होंने क्या किया, सदमार्गो को इन्होंने नष्ट कर दिया। तब कहते कहाँ संभव है शंकर जी सदमार्गो को नष्ट क्या करेंगे, नहीं सदमार्गो को उन्होंने उनने अपना जस को धरा सदमार्ग उनने बढ़ाया। ऐसे ही सुधा सरस्वती यहाँ पर सब स्तुति कर रही हैं, कहते गृहीत्वा अमृग सावाख्या पाणी मर्कट लोचन प्रत्युत्थानाभिवाद है वाच्यप्य कृतनोचितम। शंकर जी को गाली दे रहे हैं, क्या गाली दे, बोले गृहीत्वा अमृग सावाख्या, कहते मेरी जो बेटी सबसे छोटी सती थी, कहते मेरी जो बेटी है क्या मृग सावाख्या, उनका जो आँख है जैसे छोटे हिरण का जैसे आँख है, कहते इनकी मेरी बेटी की आँख वैसे मतलब चंचल सुंदर देखने में मेरी बेटी की आँख है, लेकिन देखो शंकर जी का आँख कैसे है, कहते मरकट लोचना ये बंदर जैसे आँख है, कहाँ मेरी बेटी की इतने सुंदरी आँख मृग नयना, हाँ लेकिन कहते मैंने क्या किया, ये मरकट जैसे बंदर जैसे आँख वाले शंकर जी को पानी पानी मतलब हाथ, मैंने शंकर जी को हाथ में इनका हाथ को थमाया, हैं। कहते प्रत्युत्थान अभिवाद है बाच्यप कृत नोचित, मैंने इतने सुंदर लड़की को दिया, लेकिन मैं जब सभा में मैंने प्रवेश किया है इसने प्रत्युत्थाना भी बात है थोड़ी सी खड़े होकर के मेरे को सम्मान तक भी नहीं किया, हैं। इसलिए ये उन्होंने जो काम किया है ये काम उन्होंने उचित काम उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अनुचित कर्मों का काम को किया है। कहते ये शंकर जी के लिए कौन क्या है गाली दे रहे हैं,
लेकिन यहाँ सुधा सरस्वती स्तुति करती हैं, बोले क्या करती हैं, शंकर जी का आँख क्या, बोले बंदर जैसे आँख है, बंदर जैसे आँख, कहते मरकटान मरकट तुल्यान कामिन्य अपि कृपया लोचते तत् कामना संपत संपादयती। कहते इनके शंकर जी का आँख को बंदर को आँख को साथ में क्यों थोड़ी तुलना दिया, बोले कारण है आप बंदर देखे होंगे, बंदर बड़े कामी होते हैं, बहुत कामी होते हैं बंदर ही, इसलिए प्रत्येक हर समय इनके हृदय में कामना की जागृत होता रहता है, विषय भोग हर समय ये विषय भोग हर समय ये करते रहते हैं, इसलिए शंकर जी के आँखों को उन्होंने बंदर को आँखों को साथ में तुलना दिया। लेकिन सुधा सरस्वती कहते बोले नहीं, कहते मरकटान मरकट तुल्या कामिन अपि, बंदर जैसे कामी व्यक्ति को ऊपर में अगर जगत में कोई कृपा करने वाले हो तो कौन है, कहते श्री भोले बाबा, ऐसे व्यक्ति को भी कामी व्यक्ति को ऊपर भी कृपा करने वाले तत्कामान संपादयती है, कृपा पूर्वक जो अवलोकन करते हैं, जिनकी इच्छा पूर्ति करते हैं, इसलिए द्वारा कहते अभिवाद योग्य व्यक्ति प्रति अमार मत दुर्जन व्यक्ति द्वारा समुचित समाधान करे नाई अमार के दी, इसलिए इसका दूसरा अर्थ होता है, कहते ऐसे जो शंकर जी है जिसको ऊपर में कोई भी कृपा करने वाले नहीं, जिसको ऊपर में कृपा करने वाले व्यक्ति शंकर जी, दूसरा अर्थ कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मैंने गाली दिया, जैसे दक्ष प्रजापति गाली दे ना, कहते ऐसे व्यक्ति शंकर जी को प्रति मैंने गाली दिया है, ये मेरी उचित नहीं। ये दूसरा श्लोक में कहते हैं हाँ, कहते चिता भस्म कृता स्नान प्रेत स्रग नास्ति भूषान शिवा अपदेश अशिव मत्तो मत जन प्रिय। कहते शंकर जी हर समय क्या करते हैं, कहते ये सारा शरीर में चिता भस्म कृता स्नान, शंकर जी शरीर में क्या है, स्मशान का राग मले हुए रहते हैं, हैं? कहते ये शंकर जी कहते प्रेत स्रग अस्थि भूषण, इनको शरीर में भूषण क्या है, कहते ये प्रेत को द्वारा कहते प्रेत स्रग अस्थि, कहते ये जो हड्डी को द्वारा गले में जो माला है शंकर जी की, ये हड्डी के द्वारा इनको माला है, हैं? कहते इनका जितने व्यवहार है कहते अशिव मतलब भद्र इनकी व्यवहार नहीं, कहते मत जन प्रिय किसको साथ में रहते हैं, भूत पिशाचों के साथ में शंकर जी रहने वाले हैं, इसलिए जो शिव पदेश मतलब जो मंगल रास्ता को ये अशिव ये मंगलमय रास्ता को ये अमंगल करने वाले कौन है, श्री शंकर जी, कहते ये गाली दे रहे हैं, तो उसको स्तुति पर व्याख्या करते हैं, बोले चिता भस्म को द्वारा क्या करते हैं शंकर जी, शरीर को हर समय जो चिता चिता समझ रहे कि नहीं, स्मशान का जो राख को शरीर में लगाते हैं, ये लगाते हैं, कहते कहते हैं इसको क्यों लगाते हैं, इसका क्या कारण है, तब इसको कह रहे हैं ये स्तुति पक्ष में कहते हैं जो सिद्धि प्राप्त वैष्णव गणेर चिता भस्म द्वारा स्नानाधिकार जो पुराण है, तो पुराण में बताया गया क्या, पुराण में बताया गया जिनको सिद्धि प्राप्ति जिन वैष्णव को हो गया है, कहते वो क्या करते हैं चिता भस्म को द्वारा अपना शरीर को लगाते हैं, इसलिए आप लोग कभी कभी देखा होंगे, पहले हम देखा जैसे धुन जमा करके हैं जो साधु लोग जैसे ठंडा का समय पर बहुत ठंडा है लेकिन शरीर में राख लगाओ ना ठंडा नहीं होता है, शरीर में राख लगाओ शरीर में ठंडा नहीं होता है, इसलिए पहले पहले वैष्णव लोग अपना शरीर में अपना भस्म को भी लगाया करते थे, कहते स्मशान का भस्म को क्यों लगाते हैं, कारण ही जगत को शिक्षा देते हैं, जिस शरीर को हम इतने प्रेम करते हैं इसका परिणाम एक दिन एक मुट्ठी राख है, इसलिए ये शरीर को प्रेम मत किया करो, प्रेम करना तो किसको भी प्रेम करो ठाकुर जी का प्रेम करो, हैं ये एक अर्थ, और कोई एक वैष्णव बोल रहे थे बोले शरीर में शंकर जी ये चंदन क्यों नहीं लगाते, ठाकुर जी सोच रहे हैं ये चंदन तो मेरे प्रभु सेवा के लिए,
अगर मैं चंदन लगाऊंगा ना, जितने शंकर जी का भक्त देखना तो अखड़े, वो सारे चंदन को घिस घिस करके शंकर जी में लगाएंगे, लगाएंगे तो जो भगवान के लिए, कृष्ण के लिए जो जो वस्तु की जरूरत सेवा की, और वो क्या करेंगे, मेरे शरीर में लगाएंगे, फिर मेरे ठाकुर सेवा में कमी हो जाएगी। इसलिए उनके सर के ऊपर में धजुरे और आकंद का पुष्प चढ़ाते हैं, कहते बेली, चमेली, जूई, केतकी, मालकी हैं, कहते ये मल्ली का, इसको कहीं नहीं चढ़ाते हैं। कहते अगर मैं ये सब चीज़ को ग्रहण करूँगा तो भगवान की सेवा में कमी हो जाएगी, मेरे ठाकुर की सेवा हो नहीं पाएगी। इसलिए कहते जंगल में जो अपने आप जो फूल होता है उसको तो मैं ग्रहण कर लूँगा। इसलिए कहते कहते ये बोले शिव अपदेशम जाते अर्थात मंगलमय हो जाए। इसलिए एक अर्थ होता है जो मंगल रास्ता को है शिव शिवापदेशम कहते जो निकृष्ट देश हो जाते शिव अर्थात मंगलमय हो जाए। कहते जो जो तुच्छ जो देश है हैं कहते शंकर जी की कृपा से ही निकृष्ट देश भी जिससे मंगलमय हो जाते हैं हैं। कहते कहते जो मंगलमय रास्ता को उन्होंने दूषित कर दिया, बोले नहीं, मंगलमय जगह को शंकर जी दूषित नहीं किया, बल्कि शंकर के द्वारा वो स्थान पवित्र मंगलमय हो जाता है। इसलिए तम मात्रात्मकात्मनाम एक अर्थ कहते हैं, कहते जो शंकर जी हैं, शंकर जी कहले तम मात्र स्वरूप, शंकर जी तम मात्र हैं, तम मात्र आत्मनाम, हर समय शंकर जी क्या तम तामसिक रूप में शंकर जी हर समय रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहते हैं लीला अपूर्व प्रकृति, कहते शंकर जी जो तामसिक व्यक्ति है उनको ऊपर में भी शंकर जी अगर कोई कृपा करने वाले, कहते उनको ऊपर में भी शंकर जी कृपा करते, किसको ऊपर में, तामसिक व्यक्ति के ऊपर में। इसलिए अक्सर करके देखना शंकर जी को जो पूजा करने वाले कौन है, सारे गंजड़ी भंगेड़ी सबके सब, जितने तामस की दारू पीने वाले, गंजा फूकने वाले हैं, ये सब के सब शंकर जी की उपासक होते हैं, भजन करने वाले। लेकिन ऐसे जो तामस की व्यक्ति के ऊपर अगर कोई कृपा करता है ना, ये भोले बाबा करते हैं है? इसलिए देखो जितने पहले पहले जितने बड़ा असुर थे हैं, इनके ऊपर कैसे शंकर जी की कृपा हुई हैं, कहते और जितने शंकर जी की, कहते नरसिंह भक्त और बड़े बड़े भक्त लोग जो शंकर जी की उपासना करते थे, लेकिन इनकी कृपा से ही उनको कृष्ण भक्ति मिला है। इसलिए इनका ऊपर अगर कोई कृपा करने वाले कौन है, कहते श्री भोले बाबा हैं। इसलिए प्रम थानाम तम मात्रा, इसलिए जो भूत प्रेतों के ऊपर भी कौन कृपा करने वाले, कहते शंकर जी की, जिनको कोई कृपा नहीं करते उनको ऊपर ये कृपा करते हैं। बोले तस्मात उन्मथनाथाय नष्ट शौचाय दुर्दहे दत्ता बतु मया साधी चोदिते परमेष्टिना। यहाँ पर कहते तस्मात उन्मथनाथाय नष्ट शौचाय दुर्दहे, यहाँ पर कह रहे हैं मेरी जो इतने सुंदरी बेटी मृगनयनी जो बेटी पार्वती, मैं तो इसको दुष्ट को देना नहीं चाह रहा था, मैंने इसको देना नहीं चाह रहा था, लेकिन कौन बोलने पर मैं अपना इतने सुंदरी बेटी को दिया, बद चोदित परमेष्टिना, ये ब्रह्मा मेरे को बोले है, ये ब्रह्मा बोलने पर मैं इतने सुंदरी ऐसे बेटी को है, तब मैंने उनको केवल आज्ञा पालन करने के लिए केवल उन्होंने दिया हो। इसलिए यहाँ पर चोदित परमेष्टिना मतलब परमेष्ट मतलब होता है ब्रह्मा, लेकिन वो बड़े अनादर पूर्वक वो कह रहे हैं, उनको पिता है ना ब्रह्मा जी, ये तो बोल सकता पिताजी बोले इसलिए मैंने दिया, ये नहीं करके ब्रह्मा बोले, पिताजी का नाम पिता रूप में स्वीकार नहीं करता है, कहते ये ब्रह्मा जी बोले इसलिए इतने सुंदरी बेटी को मैंने प्रदान किया, नहीं तो मैं देना ही नहीं चाह रहा इतना इतना सुंदरी बेटी को है, इसलिए आज्ञा पालना हमारा दुख रेखा, लेकिन मैंने ब्रह्मा जी का आज्ञा को मैंने पालन किया, आज मेरे को इतना दुख कष्ट उठाना पड़ रहा, नहीं तो मेरे तो दुख नहीं होता। इसलिए एक तरह से ब्रह्मा जी को उन्होंने ब्रह्मा का नाम उच्चारण करते हुए उनकी अपमान कर रहे हैं।
कहते यहाँ पर कहते अगर ये शब्द को स्तुति पर व्याख्या करे तो कहते उन्माद नाथाय, कहते ये शंकर जी कौन है, तस्मात उन्माद नाथाय, जो हर्ष में उन्माद ग्रस्त रहते हैं, भूत पिशाच है ना, हाँ हम कहते भूत जैसे व्यवहार कर रहे हैं, हाँ नाचते कूदते हैं जिसका कोई शिष्टाचार नहीं, कहते उन्माद नाथाय, कहते अगर ऐसे भूत पिशाच के ऊपर में अगर कोई कृपा करने वाले कौन है, कहते श्री भोले बाबा, इनको भी ले करके जिनको जगत में कोई भी पूछने वाले जिसको डरने वाले सब कैसे हो, लेकिन इनको ऊपर में पालन करने वाले कोई हो तो कौन है, श्री शंकर जी। कहते नष्ट शौचाय, क्या कह रहे हैं, जिसका शौच एकदम भ्रष्ट शौच है, जिसका शौच बहुच कुछ है नहीं, हाँ जो अपवित्र रहने वाले हैं, यहाँ पर कह रहे हैं, हाँ कहते शंकर जी से है, कहते जिसका शौच है नहीं, कहते नहीं ऐसे नहीं, कहते जो अशौच व्यक्ति को भी अगर कोई शौच करने वाले हैं, कभी पवित्रता देने वाले कौन हैं, कहते श्री शंकर जी, जिससे जीव पवित्र होते हैं, से शिव के दूर दुहिद कृपा पूर्वक दुष्ट जन प्रति कृपामय मन जहार, से शिव के ब्रह्मार वचने अमी अजो कहलो, से शिव के कन्या प्रदान करिया छे अर्थ। इसलिए कहते जो शंकर जी है, कहते ये इनको शंकर जी गाली ये अयोग्य होने पर मैंने क्यों दिया बेटी, कहते ब्रह्मा जी बोलने पर मैंने ये बेटी दिया है, हाँ अभी उन्होंने शंकर जी को इतना गाली फाली तो दिया, गाली दे करके तब भी उसका पेट नहीं भरा, हाँ तब भी दक्ष प्रजा को मन भरा नहीं, इतना गाली दे दिया तभी उनका पेट नहीं भरा, जब पेट नहीं भरा तो क्या कह रहे हैं, उनने उठाया जल, जल उठा करके उन्होंने मंत्र पुत्र करके शंकर जी को अभिशाप दे दिया, हैं बोले क्या अभिशाप दिया, बोले यज्ञ में शंकर जी का भाग नहीं मिलेगा, हैं भाग नहीं मिलेगा, हैं तब यहाँ पर स्तुति पक्ष में उन्होंने अभिशाप दिया इनको यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, स्तुति पक्ष में क्या रही, कद देवता लोग कौन होते हैं, कद देवताओं के यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, बोले देवता लोग कौन होते हैं, कौन स्वर्ग का देवता होता है ना, स्वर्ग में इस स्वर्ग में देवता जाते हैं लेकिन जब तक पुण्य तब तक रहेंगे, पुण्य खत्म होते फिर नीचे गिरते हैं, ये देवता लोग भी कम नहीं हैं, इनके अंदर भी काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष इनके अंदर में भी, इसलिए यहाँ पर स्तुति पर अर्थ कहते हैं, कहते इनको साथ में शंकर जैसे परम वैष्णव हैं, इनको साथ में क्यों यज्ञ में भाग का क्या जरूरत है इनकी, ये देवता लोग तो तुच्छ व्यक्ति है हैं, लेकिन शंकर जी कौन है, कहते ये तो सब लोगों को पोषण करने वाले श्री भोले बाबा, तो उनको साथ में उनको यज्ञ की क्या जरूरत है। इतने में दक्षा जब अभिशाप दे करके अपना घर में चले गए, इतने में नंदी को बड़ा क्रोध आया, शंकर जी के जो बाहर नंदी वो उनको बड़ा क्रोध आया, बोले शंकर जी को ऐसे ऐसे गाली दे कर गए हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा, इसलिए वो क्रोधित होकर उनका आँख एकदम अरुण लाल लाल वर्ण हो गया। तब उन्होंने जितने दक्ष हैं जो अभिशाप दे रहा था उसको जितने अनुमोदन कर रहे थे उनको भी उन्होंने अभिशाप दे दिया, क्या अभिशाप दिया, प्रथम अभिशाप, कहते ये सबके सब दक्ष, दक्ष कौन था, दक्ष मतलब होता है जो सृष्टि काम में जो दक्ष है, बोले जो लोग नश्वर देह के शुक्र शोणित, शुक्र मतलब होता है शुक्र शोणित मतलब खून, इसको द्वारा अद्भुत मांस पिंड को भी जो बहुमान्य करने वाले हैं अप्रतिद्रोही भगवत अभिर्ण, कहते ये लोग शंकर जी कौन, बोलिए भगवत अभिर्ण शंकर जी को द्रोह आचरण ऐसे व्यक्ति कर रहे हैं जो जड़ शरीर को मैं मेरा करने वाले, इसलिए मैं अभिशाप देता हूँ ये जितने सब लोग हैं ना तत्व ज्ञान से रहित तो हो जा करके परमार्थ से वंचित तो होंगे, हैं संसार आसक्त तो होकर के कर्म जाल में आबद्ध हो जाएंगे और कर्म कांड को विस्तार करके हैं उसी संसार चक्र में ही भ्रमण करते रहेंगे, ये शरीर को ही सब कुछ मानेंगे, कामी असदाचारी और जैसे बकरी जैसे हैं भोगी होते हैं हर समय छागल जैसे हैं, ये सब के सब इनका बुद्धि ऐसे हो जाएगा। अभी ताहराओ संसारे पुनः पुनः जन्म सकल प्राप्त है, जो लोग दक्ष अभिशाप का अनुमोदन यहाँ पर कर रहे थे वो लोग भी जन्म मृत्यु का चक्कर में
वो भी भटकते रहेंगे, हैं केवल देहापैतल। तो उन्होंने भी उनको सबके सब उन्होंने अभिशाप दे दिया। जब अभिशाप दे दिया और क्या दिया, ब्राह्मण लोगों को अभिशाप भी दे दिया। क्या अभिशाप दे दिया, सर्वभक्षा द्विज भृते धृत विद्यापोत प्रता बीत देहन्द्रिया मा राम्या जाचका विचरंती हो। उन्होंने अभिशाप दिया, कहते हैं कलयुग में जो ब्राह्मण लोग हैं, देखो उनका अभिशाप अभी सबके सब लग रहा है। नंदी जी बोल रहे हैं, ये नंदी बोल रहा है कि कलयुग में ब्राह्मण लोग क्या हो जाएंगे, लेकिन जो भक्ति में आएंगे भजन करने के लिए आएंगे तो सर्वश्रेष्ठ है। एक तो ब्राह्मण है, उनका अंदर सद्गुण है ही है, लेकिन जब भगवान की भजन में आ जाएंगे ब्राह्मण का और भी इनकी महिमा बन जाएगी, हैं महिमा इनकी और बढ़ जाएगी। एक तो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, भक्ति में आए तो उनको चार चांद लग जाएगी, लेकिन कलयुग में जो लोग भक्ति से विमुख हो जाएंगे उनके लिए ये सब बात कह रहे, भक्तों के लिए बात नहीं कह रहे। जो भजन करते हैं ब्राह्मण धर्म को जाजन करते हैं उनके लिए ये सब बात नहीं। कहते ये लोग भक्य अभक्य विचार शून्य हो जाएंगे। अब कलकत्ता में जाओगे ना, ब्राह्मण लोग गो मांस खा रहे, मांस खाते खाते आदत बन गया, मांस छोड़ा नहीं जाता। कम पैसा में कौन मिलेगा गो मांस? अभी कलकत्ता में कोई तिलक नहीं, कोई जन्ह नहीं शरीर में, कोई ब्राह्मण का चिन्ह नहीं, कोई गायत्री मंत्र जप नहीं, सब गोमांस खा रहे हैं, गोमांस खा रहे। चक्रवर्ती भट्टाचार्य वहाँ के सब ब्राह्मण का नाम है। इसलिए कहते हैं सबके सब भक्ष्य और अभक्ष्य ये विचार शून्य हो जाएंगे। क्या करेंगे, केवल ये शरीर में और स्त्री पुत्र परिवार केवल उसकी इसके भरण पोषण में ही डूबे जाएंगे। पहले ब्राह्मण लोग कोई नौकरी नहीं करते थे, उनका क्या काम था, तीन वर्ण को ऊपर में आशीर्वाद देना, उनको ऊपर कृपा करना, और तीन वर्ण ब्राह्मण वर्ण को सबके सब पूजा करते थे, ब्राह्मण को पूजा करते थे। हम जब गांव में थे ना, जब ब्राह्मण लोग आते थे वो अपना पैर को हमारे सर पर रखते थे, अपना पैर को हमारे सर पर रखते थे, आशीर्वाद देते थे, और जितने माताएँ बोलते थे हमारे लाला को आशीर्वाद, ब्राह्मण लोग हम लोग को सर के ऊपर में हाथ देते थे, हाथ रख करके सब हमारे ऊपर कृपा कर चरण को सर पर देते थे, ब्राह्मण का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन ये क्या होंगे, कहते ये तपस्या व्रतधारी हो, इसलिए ये लोग सबके सब हैं केवल स्त्री पुत्र परिवार में आसक्ति हो करके इन लोग ने पूरा अपना धर्म कर्म को सबको भूल जाएंगे। और तपस्या व्रतधारी हो एवं बीत इंद्रिय आराम, ये क्या करेंगे, संपत्ति और इंद्रिय के आराम में इसमें डूब जाएंगे। और जाचक का बेस लेकर, मतलब भिखारी बेस लेकर के पृथ्वी में विचरण करेंगे। इसलिए ये अभिशाप, नंदी अभिशाप दे रही हैं, ये ब्राह्मण को अभिशाप दे रहे हैं। जब अभिशाप दिए इतने में ये बात को जो भृगु ऋषि ने सुना, वो ब्राह्मण हैं और उन्होंने अभिशाप दे दिया, ब्राह्मण को अभिशाप दे दिया। अभिशाप सुन करके भृगु ऋषि जो थे, और भृगु ब्राह्मण हैं, इनको सहन नहीं हुआ। बोले क्या, ब्राह्मण को तुम्हें भीख मगा बना दिया तुमने, इतने अभिशाप? तब उन्होंने क्या किए, कहते सुने ब्रह्म दंड रूप में प्रतिशाप प्रदान कर लेने, एकदम ब्रह्म दंड जैसे लेकर के जितने शंकर जी के भक्त थे सबको एक तरफ से। बोले भव व्रता धरा जे चानु समान व्रता पाखंडी नस्ते भवंतु शास्त्र परिपंथी न। बोले शंकर जी के भक्त हम क्या समझ रखे हैं, ब्राह्मणों का अभिशाप दिया शंकर जी के भक्त, अभी तुमको भी मैं दिखा देता हूँ, गाली दी। बोले जितने सब शंकर जी के व्रत धारण करने वाले होंगे और उनको जो अनुसरण करेंगी, सब शास्त्र से प्रतिकूल आचरण करेंगी, और जितने शंकर जी का भक्त पाखंडी बनेंगे, हैं पाखंडी नष्ट सत शास्त्र परिपत्र, सत शास्त्र से विमुख रहेगी जितने सब के सब शंकर जी की जो भक्त और को जो अनुसरण करेंगे। बोले नष्ट शौचा मूढ़ धिया जटा भस्मास धारिनम विसंतो शिव दिखायाम जत्र दैवम सुरा सबम। क्या अभिशाप दिया हैं, ये सब के सब शौच विहीन हो जाएंगे, मूढ़ बुद्धि वाले मूर्ख बुद्धि वाले होंगे हैं, और जटा भस्म को धारण करेंगे
और जो शिव दीक्षा में प्रविष्ट होएगा, और ये लोग क्या करेंगे, देवता कहते ये जो शराब को हाँ देवता ने आदर नहीं होया था, इसलिए शराब को पान करेंगे और गंजा फूकेंगे, असदाचार होएंगे, भ्रष्ट होएंगे। ए शंकर जी के भक्तों को पूरा के पूरा उन्होंने अभिशाप दे दिया। और शंकर जी वहाँ पर बैठे हुए थे, अभी शंकर जी ने देखा हे भगवान यहाँ तो क्या स्वागत समारोह हो रहा था, यहाँ तो साफा-साफी समारोह होने लग गया। शंकर जी बैठे हुए थे, जब शंकर जी भक्तों को गाल दिया ना, शंकर जी चुपचाप खड़े होकर चले गए हैं, चले गए शंकर जी, कुछ नहीं बोले। तो यहाँ पर प्रश्न होता है, विश्वनाथ चौटाला कह रहे हैं शंकर जी वहाँ पर बैठे हुए थे और यहाँ पर शंकर जी के भक्तों को अभिशाप दिया, शंकर जी चुपचाप कैसे सुन लिए? शंकर जी कुछ बोलना चाहिए ना, मेरे भक्तों को तुमने इतने उल्टा पुल्टा गाली दे रहे हो, उनको तो कुछ बोलना चाहिए। लेकिन वहाँ पर ब्राह्मण भी लोग बैठे हुए थे, कहते उनको भी अभिशाप मिला, दोनों को अभिशाप मिला, लेकिन सबके सब चुपचाप सुन गए, सबके सब ऐसे कैसे हो गया। और अभिशाप देने वाले कौन है, एक तो भृगु, इनका अभिशाप कभी नष्ट नहीं होगा, शंकर जी के भक्तों का अभिशाप दिया। फिर ब्राह्मण लोग कौन अभिशाप दिया, नंदी, नंदी कौन है, शंकर जी के भक्त है, ये तो साधारण नहीं नंदी, तो इन्होंने भी अभिशाप दिया। तो फिर ऐसे कैसे हो गया, ये सब कैसे हुआ? तो वहाँ पर सबके सब कैसे स्वीकार कैसे कर लिया। हाँ, यहाँ पर श्री विश्वनाथ प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं, और विश्वनाथ चक्र ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं, कहते ये सब किसके लिए है, शंकर जी को जो अभिशाप दिया किसके लिए, देखो ये चीज क्या कह रहे हैं, कहते उनके लिए जो शंकर जी को हैं शिवादि देवता को जो स्वतंत्र रूप में ईश्वर ज्ञान में जो उपासना करते उन्हीं के लिए हैं। लेकिन जो लोग शंकर जी को वैष्णव मान करके पूजा करते हैं, जैसे हमारे सनातन गोस्वामी हैं बोलते थे ना, श्रीमद गोपीश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम सर्वक्लेशहरम देवम वृंदारण्यम रथिप्रदम वृंदावनावनिपते जय सोम सम मौली सनातन सनंदन नारद गोपीश्वर ब्रज विलास जुगांग्री पद में प्रेम ब्रज छ नितराम नृपाति का। बोले भोले बाबा आप तो दया के सागर करुणा के सागर हैं, जिनको सनक सनातन आदि भी जिनको पूजा करते हैं हैं, इसलिए आप कृपा करके हमें ब्रज में जो विलास करने वाले राधा कृष्ण उनकी चरण में हमें प्रेम प्रदान करो। शंकर जी की कृपा से कितने व्यक्ति वैष्णव बने, शंकर जी के आशीर्वाद से शंकर जी वैष्णव, उनको पास में किसी बुद्धि से ये परम वैष्णव, इनकी कृपा से हमें भक्ति मिलेगा, भजन मिलेगा। लेकिन स्वतंत्र ईश्वर बुद्धि में इनको उपासना नहीं करनी चाहिए हैं। तो एक दोष, ये दोष उनके लिए होता है। कृष्ण कौन है, कहते मेद वेद मूलत्व ही उक्त याचे, जो कृष्ण कौन है, ये ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, कृष्ण सब कारण का जो कारण है श्री भगवान कृष्ण है। इसलिए हाँ इसलिए कहते जो स्वतंत्र रूप में जो दूसरे देवादेवी को उपासना करते उनके लिए बताया। इसलिए गीता में भगवान भी वही बात कहते हैं कि गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, कहते जे अन्य अन्य देवता भक्ता जजंते श्रद्धा नित्यम ते अपनी मामे व कहते जजंती अभिधिपूर्वकम है। कहते जो दूसरे देवादेवी को उपासना करते हैं, कहते एक तरह से मेरी उपासना करते हैं क्योंकि सबका हृदय में विद्यमान है एक तरह से मेरी, लेकिन पूजा करने पर भी जजंति अभिधिपूर्वकम, वो विधि विधान नहीं है, वो सही नहीं है, वो विधि नहीं, वो अभिधिपूर्वक अभिधिपूर्वक उपासना करते हैं हैं। ताकि जेहेतु आमी एकमात्र अद्वैत कृष्ण कौर वो अद्वैत ज्ञान पर तत्व तो सर्व कारण का कारण है। इर्भव देवता जाजी गणेर कार्य अवैध जहर आमा के एकमात्र अद्वैत ज्ञान अन्य देवता के आमार अधीनत्व को लम्बन करिया पूजा करें। इससे जो लोग क्या करते हैं, दूसरे दूसरे देवादेवी को अगर पूजा करें तो ये कौन, ये भगवान के अधीन में रहने वाले ठाकुर जी की, ये अधीन में रहने वाले, अगर इनको पास में जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं अगर कोई दूसरे देवादेवी को देखो अगर पूजा करो उनको प्रणाम करो तो क्या उनसे कृष्ण भक्ति को प्रार्थना करो, कृष्ण भक्ति को प्रार्थना करो। अवैध जजगण संसार रहते थके
इसलिए दास ज्ञान स्नान नित्यानंद धाम गमन करते समर्थ और नित्यानंद धाम जेवन स्वतंत्र देवजाज मैंने अन्य देवता कर उपासना निषेध शैल अन्य देव प्रति विद्वेष अभ्य। इसलिए शास्त्र में क्या बताए, शास्त्र में ये बताए दूसरे दूसरे देवा देवियों को पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सब धर्म को छोड़ करके केवल मेरी शरण में आ जाओ। उनको छोड़ने पर जो पाप लगेगा भगवान के तो मैं सब कुछ ग्रहण करूँगा हैं। तो इसका मतलब क्या दूसरे देवा देवी को निंदा करो, तो नहीं। इसलिए हरि रेव सदाराध्य सर्वदेव स्वरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्राद्य न अवज्ञा कदाचन। भगवान कृष्ण सभी का आराध्य होने पर भी इतरे ब्रह्म रुद्राद्य जो दूसरे जो ब्रह्मा शंकर आदि देवता को न अवज्ञा कदाचन, तभी इनको अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान ने इनको एक एक पोस्ट दिए। ये सब का सब वैष्णव है हाँ, ब्रह्मा हमारे आदि गुरु शंकर जी परम वैष्णव, इनसे भगवत भक्ति प्रार्थना करनी चाहिए, इनको कुछ अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये फिर जो दूसरे व्यक्ति जो थे और ये तो हो गए शंकर जी के लिए, क्या दूसरे जो कौन थे जो ब्राह्मण लोग थे उनको भी अभिशाप मिला हैं, ब्राह्मण लोग को अभिशाप मिला है। इसलिए कहते फिर वो ब्राह्मण को जो अभिशाप मिला, फिर ब्राह्मण को क्यों अभिशाप मिला, कहते ये लोग कौन है अभिशाप जो मिला, कहते ये कर्म मार्ग में जो कर्म कांडी ब्राह्मण हैं, जो लोग कर्मों को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, भगवान की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ नहीं मान करके शरीर में मैं और मेरापन रख करके ये कर्म मार्गी जो ब्राह्मण उनके लिए है, लेकिन जो भक्ति करने वाले जो ब्राह्मण हैं वो तो परम वैष्णव है, वो तो परम वैष्णव है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं हमें को दो मार्ग त्याग देनी चाहिए, कर्मकांडी मार्ग त्याग देनी चाहिए और हमें शैव पंथा, ये दोनों मार्गों को हमने त्याग दे करके हमें क्या करनी चाहिए, तृतीय पंथा मुरारे। इसलिए वैष्णव लोग तृतीय पंथा को भक्ति पथ को ही ये अवलंबन करते हैं। ये सब शिक्षा देने के लिए यहाँ पर सभा सभी सब काम हुई है। इसलिए हमें ये दो पंथों को हमें त्याग देनी चाहिए, तभी हमें आगे धीरे 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 भगवान की भक्ति में हमें बढ़नी चाहिए। प्रणिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, वंचकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बंद करो।